हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द गुरुकुल। सो आज हम देखने वाले हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 4। ओके, सो अब तक हमने 3 पार्ट कवर कर चुके हैं एंड उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हो चुके हैं। सो अगर आप डायरेक्टली फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई विल रिकमेंड यू कि आप पहले ये 3 वीडियो देख लीजिए, फिर आज का पार्ट आप देखिए। ओके, सो बाकी अदरवाइज एज यू विश। सो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सो हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड लॉगरिथम इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। ओके, लॉगरिथम में से हमें 4 लेटर वर्ड निकालना है। अभी जो रेगुलर वाले गाइस है वो बोलेंगे कि लॉगरिथम वर्ड तो हमने पहले भी देखा है। हाँ देखा है, लेकिन हमने कभी उस पर हमने 3 लेटर वर्ड वाला क्वेश्चन देखा है। ओके, सो अभी ये 4 लेटर वर्ड वाला क्वेश्चन है। सो कैसे करना है इसको, 4 लेटर वर्ड को? सिंपल है, टोटल इसमें 10 लेटर से। ओके, सो आप क्या बोल सकते हैं कि टू फाइंड हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स वी कैन फाइंड इट फ्रॉम, अभी ये तो एक प्रोसेस दिया है। अब इसको करना कैसे, ये किधर से आया, ये इधर से आया। सो 10 लेटर्स में से 4 लेटर का वर्ड निकालना है। सो हम क्या करेंगे, 10p4 निकालेंगे, विच इज परमुटेशन आएगा इधर। ओके, तो 10p4 निकाल लेंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 10 factorial divided by 6 factorial। ओके, 10 factorial by 6 factorial। अब इसका वैल्यू डायरेक्टली ये आता है 10 × 9 × 8 × 7। ओके, विच इज़ 5040, ऑप्शन सी। ओके, सो बहुत सिंपल था ये, जस्ट 10p4 करना है एंड सॉल्व कर लेना है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17। एंड इवेंट मैनेजर हैज़ अ 10 पैटर्न्स ऑफ चेयर एंड 8 पैटर्न्स ऑफ टेबल। ओके, इन हाउ मेनी वेज ही कैन मेक अ पेयर ऑफ टेबल एंड अ चेयर। बहुत ही इजी तो नहीं है, बट उतना हार्ड भी नहीं। ओके, सो 10 पैटर्न ऑफ चेयर एंड 8 पैटर्न ऑफ टेबल है, तो टोटल वो टेबल एंड चेयर की पेयर बनाने के लिए कितने वेज से बना सकता है। सो 10 पैटर्न ऑफ चेयर, 8 पैटर्न ऑफ टेबल से। ओके, अ चेयर कैन बी सेलेक्टेड इन 10 वेज, मीन्स 10 प्रकार से चेयर को उठा सकते हैं और 8 प्रकार से, 8 टाइप से हम टेबल को उठा सकते हैं। सो टोटल निकालना है तो 10 × 8 कर देंगे, विच इज़ 80, मीन्स टोटल 80 वेज है, विच इज़ ऑप्शन डी। ओके ओके, हाँ यहाँ पर बस समझना इतना है कि यहाँ पर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो लगाएंगे किधर भी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। बट अगर ऐसे टाइप का आ गया तो आप डायरेक्टली 10 × 8 भी कर सकते हैं, मीन्स ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, सो हियर इज द 18th क्वेश्चन। अ डेलीगेशन ऑफ 5 मेम्बर्स हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 3 लेडी एंड 5 जेंटलमैन। ओके, इन हाउ मेनी वेज द डेलीगेशन कैन बी फॉर्म्ड इफ 2 पर्टिकुलर लेडी आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन द डेलीगेशन। सो 5 मेंबर का एक डेलीगेशन बनाना है जिसमें कि 3 लेडीज है और 5 जेंट्स है। ओके ओके, इफ 2 लेडीज आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन द डेलीगेशन एंड उसमें आपको 2 लेडीज लेनी ही लेनी है। ओके, तो कैसे कितने टाइप से बना सकते हैं ये निकालना है। अब सिंपल सी बात है कि देर आर 3 लेडीज एंड 5 जेंटलमैन एंड अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स है। ओके ऑल राइट, सो नंबर ऑफ इज सच दैट 2 लेडीज आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन द कमिटी, ये निकालना है, ये जो है ये निकालना है। ओके, फिक्स दिया है कि 2 लेडी हमेशा कमिटी में रहेगी। सो सिंपल सी बात है, अब 2 लेडी रहेगी तो अब हम क्या करेंगे, 6 3 6 3। यस, तो देखा जाए तो हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर देखा जाए तो 3 लेडीज़ हैं और 5 जेंटलमैन हैं। सो टोटल 8 मेंबर्स हैं। ओके, टोटल 8 मेंबर्स हैं, 8 में से 2 तो हमेशा लेडीज़ को ऑलरेडी हमने उठा लिया है। ओके, सेलेक्ट कर लिया। सो बच्चे कितने, 6 बच्चे। ओके, 6 बच्चे, तो अब इन 6 में से हमें 3 मेंबर्स निकालने हैं। 3 क्यों, क्योंकि टोटल निकालने हैं 5 मेंबर्स, 5 में से 2 लेडीज़ को निकाल देंगे तो बचेंगे हमारे पास 3 मेंबर्स। ओके, 3 मेंबर बचेंगे। सो ये 3 मेंबर्स को हमें मेन 6 मेंबर में से उठाना है, उसीलिए 6 3 3 आएगा। ओके, सो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 factorial by 3 factorial × 3 factorial आ जाएगा, इसे ही सॉल्व करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन डी। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स लॉगरिथम। ओके सॉरी, एक्चुअली हो चुका है,
ओके लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्मड यूजिंग द डिजिट्स 1, 3, 4, 5, 9 एंड 7 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ओके फोर डिजिट नंबर बनाना है, मीन्स 1, 2, 3, 4 फोर डिजिट नंबर बनाना है, इनको यूज़ करके और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली, फोर प्लेसेस है और 6 डिजिट्स है। ओके क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 नंबर्स हैं और 4 प्लेसेस हैं। तो 4 को हम इसे कैसे सेलेक्ट करेंगे, 6 में से कैसे सेलेक्ट करना है, 6 में से हमें 4 नंबर्स को सेलेक्ट करना है इनको फिल करने के लिए। सो 6P4 आ जाएगा। ओके 6P4 आ जाएगा विच इज़ 6 × 5 × 4 × 3 ओके इज इक्वल टू 360, मीन्स 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा। ओके सो इधर 2 × 1 कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ बचेगा 360 विच इज ऑप्शन डी। ऑल राइट गाइस, ओके ऑल राइट। सो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस थे, एंड अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया होगा तो आपने जो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपकी क्वेरीज आप बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। ओके सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।